एकता कपूर के शो लॉकअप को मिल गया है फाइनली टॉप 6 फाइनलिस्ट। आखिरकार सबसे आखिर में शाइसा और पायल में से किसका सिलेक्शन हुआ है, कौन हुआ है लॉकअप से लॉकआउट और कौन बना है आखिरी फाइनलिस्ट, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे ये विचार पर। वेल, आपको बता दूँ कि एकता कपूर का शो लॉकअप अब फिनाले की तरफ बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं टॉप 5 कंटेस्टेंट यानी टॉप 5 फाइनलिस्ट को ऑलरेडी करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ने सेलेक्ट कर लिया और अब बारी थी दो वैसे कंटेस्टेंट्स के बीच में, दो वैसे कैदी के बीच में जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन अगर वोट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनमें से जो कंपटीशन है उसमें से तो कोई आगे कोई पीछे तो ज़रूर होता है। इसी बीच आपको बता दूँ कि शायशा सिंधे और पायल रोहतगी के दिल की धड़कनों को कम कर दिया था तेजस्वी प्रकाश और साथ ही साथ करण कुंद्रा ने, जिस तरीके से वो दोनों ही डरा डरा कर वो जो एविल आई है वो पहनाते नजर आए वो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वेल, आपको बता दूँ कि काफ़ी इंतज़ार के बाद सबसे पहले तो तेजस्वी प्रकाश दोनों के गले को नापते नज़र आए कि आखिरकार ये जो एविल आई लॉकेट है किसके गले में परफेक्ट आएगा। जहाँ एक बार पायल रोहतगी के साथ तो दूसरी बार शायशा सिंधे के साथ, फिर पायल रोहतगी, फिर शायशा सिंधे और इसी तरीके से काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते नजर आई वार्डन तेजस्वी प्रकाश। इस बीच आपको बता दूं कि कंटेस्टेंट यानी फाइनलिस्ट जो बन चुके थे उनके साथ साथ जो पायल और शायशा थे उनके आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे कि आखिरकार वो आखिरी फाइनलिस्ट कौन होगा और वो आखिरी कंटेस्टेंट जो शो से लॉकआउट हो जाएगा। वेल, इस बीच आपको बता दूं कि फाइनली पायल रोहतगी बन चुकी हैं आखिरी फाइनलिस्ट, यानी कि टॉप 6 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं एकता कपूर के शो लॉकअप को और पायल रोहतगी बन चुकी हैं आखिरी फाइनलिस्ट और शायशा सिंधे हो चुकी है शो से लॉकआउट। वेल, आखिरकार टॉप 6 फाइनलिस्ट को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है फिनाले के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।